रोटी भी हमारी त्रोड़ मरोड़ के फैमिली तैयार हो चुकी है। अब इसको हांडी के अंदर डालते हैं और वो है जी रोटियां। यार अभी बोला कहाँ पे हो यार। रोटियां हमने त्रोड़ मरोड़ ली है, अब बना रहे हैं जी सोबत। इसी वजह से हवा इतनी नहीं लगती, जो इधर से हवा लगती है बहुत ज्यादा हवा। वैसे इस तरह के बाल कैसे लग रहे हैं मुझे? माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका सपना पूरा होगा इंशाल्लाह ताला अजीज, ये मेरी दुआ है। आप सदर बनने वाली हैं। हैं? हाँ जी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें, हमें दो में याद रखें, हंसते मुस्कराते रहें फूलों की तरह। हमारे देखने वाले सुनने वाले जहाँ कहीं भी अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे, अल्लाह ताला सबकी परेशानी दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और शाम की रूटीन हमारी शुरू हो चुकी है। आज जो है ना थोड़ी बहुत हवा चली गई, आज इधर जो है ना मैंने किचन नहीं बनाया क्योंकि हवा चली हुई थी और मैंने कपड़ा भी डाला लेकिन कपड़ा जो ना हवा से उड़कर नीचे आने लगा, फिर मैंने उधर से नहीं रखा। फिर मैंने यहाँ पे किचन बनाया हुआ है और इसके ऊपर भी वो मैंने लकड़ी वगैरह रखी हुई है ताकि ये उड़ ना सके, लेकिन वहाँ पे भी हवा थोड़ी बहुत लगती है, लेकिन ये जो ना कमरे की दीवार आ जाती है ना इसी वजह से हवा इतनी नहीं लगती, जो इधर से हवा लगती है बहुत ज़्यादा हवा लगती है। और आलू मैंने कटाई कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें। और अब जो ना ये कटाई हो रहे हैं और कुटाई हो रहे हैं, सॉरी, प्याज प्याज और लहसुन जो है ना कुटाई हो रहे हैं, इसका जो है ना पेस्ट बनाकर फिर जो है ना इंशाल्लाह बनाएंगे सालन। आज जो है ना हबीबुल्ला की ज़िद थी, हबीबुल्ला ने कहा कि आज मैंने खानी है बिरयानी। बिरयानी मतलब वो नमकीन चावल बनवा रहे। यार दबा दिया मुझे, मैं अपने ख्यालों में बैठी थी। उम्मीद है कि हमारा तमाम बहन भाई देखने वाले खैर आफिया से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। आप सब बहन भाई दुआ से, हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जितने भी हैं जहाँ से भी हमें देख रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने से देख रहे हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको हमेशा अपने सम्मान में रखे। जो बीमार है अल्लाह ताला सबको सेहत कामिल अता फरमाए, घरों में या अस्पतालों में हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। और जो भी औलाद है अल्लाह ताला उन सबको नेक औलाद अता फरमाए। आमीन आमीन। माशाल्लाह अबू जान चहल पहल कर रहे हैं और सुबह के टाइम बात करते हैं और इस टाइम जो है ना चहल पहल करते रहते हैं। अल्लाह करे कि आज आलू बनाए जा रहे हैं जी। आज आज तो फिर सोबत बनाएंगे। हाँ जी। और ये पेस्ट बनाया जा रहा है जी, प्याज और लहसुन। यार अदरक नहीं है, अदरक नहीं है। आज जो ना हबीबुल्ला की एक और फरमाइश भी पूरी हो रही है। कौन सी? उसने कहा कि आज मैंने चावल खाने हैं हबीबुल्ला के लिए अंदर चावल बनाए जा रहे हैं। वो हमारी बेटी अंदर किचन में बना रही है तो मैंने सोचा कि मैं जो ना सालन और रोटी बना लूँ, क्योंकि ना ही आपका भाई चावल खाता है और ना ही मामू जान खाते हैं, ना ही सासू माँ खाती है और ना ही मैंने खाने हैं चावल। हाँ, क्योंकि इसका गले का मसला है, फिर इससे एलर्जी हो जाती है, फिर खाऊं खाऊं करती रहती है, मुझे परेशानी होती है, इसलिए इसलिए नहीं खाने। खाऊं खाऊं मैं करती हूँ, परेशानी इससे होती है। हाँ यार, अगर आपको कुछ होता है तो फिर सांस ले रहे मैं तो परेशान होता हूँ। हाँ, ये तो बहुत बड़ा वैसे मेरे साथ मसला हो जाता है। और टमाटर मैंने इधर पानी के अंदर रख दिए थे और इसकी धुलाई भी कर दी थी, अब इसकी कटाई होगी और पिटाई होगी। आज मैंने किचन उस तरह बनाया हुआ है। अदरक इधर पता की है, अदरक है नहीं? अदरक होगी अंदर पड़ी होगी, वो ना कब की। यार वो थोड़ी कूट लिया करो, सालन में लाजमी इस्तेमाल किया करो। नहीं मैं डालती हूँ अदरक तो मैं डालती हूँ, लेकिन आज नहीं है, मुझे ऐसे लग रहा है कि खत्म हो गई। चले हबीबुल्ला जो ना हबीबुल्ला को भेजते हैं, वो वह जाकर ले आएगा। मैंने क्या कहा आपने सुना भी नहीं। कुटाई कर लेती बाद में टमाटर डालती, टमाटर का पानी जो है ना फिर वो नहीं कुटाई करने देगा आपको पता नहीं है। ये भी हो जाएगा, ये बस जो ना वो क्या कहते हैं डाला फाला करना है। आज मैंने कहा कि मैंने किचन उधर तरफ बनाया इस तरफ। हाँ, क्योंकि पहले हवा चली हुई थी ना, अब तो हवा रुक गई है। हवा पहले चली हुई थी, जब मैंने उस तरफ कपड़ा डाला ना तो कपड़ा जो है ना उड़ने लगा। आपके भाई ने आपने किस तरफ कहा वैसे करके दिखाएं। हाँ इस तरफ किया,
उड़ता आ रहा था इधर। मैं देखती रही, मैंने कहा इससे क्या हो गया, कहने लगा वो कपड़ा उड़ रहा है। फिर मैंने जाकर उस कपड़े को जोड़ा, ऊपर जो ना वो चौकी वगैरह रखी, और जो ना क्योंकि इधर जो ना हवा कम लगती है, इधर सामने वे निद्दा कहते हैं हम, ये तो निद्दा है ना, इधर इधर ज्यादा हवा लगती है, उधर कम लगती है। हाँ इधर कम लगती है। वो मेसन आया हुआ था, उन्हें कुछ पैसे जरूरत थे। अच्छा। जो मसाजिद बना रहे हैं ना, तो उनका कोई बिजली का बिल आया हुआ है मजदूरों का, तो उसने कहा कि कुछ पैसे दे दे, तो उनको देने हैं, मैं बिल भरना है। चले मैंने कहा नो टेंशन, उनको जो है ना कुछ दे दिए हैं, कुछ जो है ना ऐसा ऐसा इसी तरह देते हैं। हाँ जैसे काम होता है का वैसे पैसे आप देते रहें। हाँ जी। अगर आप दे देंगे पैसे फिर जो है ना वो काम करने के लिए जल्दी नहीं आएंगे। अगर इसलिए तो फिर हर हफ्ते जितनी भी पेमेंट बनती है ना फिर उस तरह देते हैं। सही है, अच्छी बात। तो आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है वीडियो को कम्प्लीट देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना, हमारे साथ अंत तक जुड़े रहना है। और आज भी एक आप जो ना इधर कैमरा मैन बने और हबीबुल्ला जाता है, ये अदरक का पता भी करता है और कचरा वगैरह भी लेता है। आप उधर कचरा लेंगे, हबीबुल्ला जाएगा ले आएगा। आज हबीबुल्ला खड़ा है, सही है, आप जाते हो ठीक है, हबीबुल्ला आ जाते। हाँ मामा जाकर कचरा भी ले आओ और हबीबुल्ला ने अभी सलाम भी करनी है क्योंकि वो कैमरे के पीछे खड़ा, इसी वजह से उसने। हबीबुल्ला लुटते रहते हो यार एक ही जगह पे, वो बेचारा थक गया है। हबीबुल्ला थक गया है, करता है कभी इस तरह करता है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मुझे दे दे। मैं तो आप जाओ कचरा भी ले आओ, ठीक है, पहले सलाम करो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। पक्का जी है, पक्का मेरे ख्याल चल रहा खड़े। चलो बेटा फिर अदरक भी ले आओ और कचरा भी ले आओ, और क्या क्या लेना है? बस वही कचरा लेना है, बाकी सामान तो सारा है ना। मैं आपको इसलिए कह रही थी कि आप ना जाएं मेरे सामने खड़े हैं कहीं ना। चले माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, मैं तो खुशकिस्मत हूँ जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी जान क्या लेके जा रही है, पानी? हाँ उधर हबीबुल्लाह के लिए चावल बन रहे हैं ना। हाँ हबीबुल्लाह की जो फरमाइश है ना, वैसे कब का वो कह रहा था कि मम्मा चावल बनाओ चावल बनाओ, मैंने कहा बेटा चावल कोई भी नहीं खाता, दोपहर को जो है ना आपको चावल बना कर दूंगी, दोपहर को खा लेना। अच्छा। आज तीसरा दिन है कहने लगा, फिर मैंने कहा कि बच्चा है तीसरा दिन है कह रहा है, तो फिर जो ना हमने अपनी बेटी को कहा कि आप बना लो। चलो सही कि आज मैं बहुत खुश हुआ खड़ा हूँ पता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसे जो है ना खुश रहा करो और हंसते मुस्कराते रहा करो। अल्लाह आमीन सुनाए माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक अलैह। आप देख तो उधर रही हो, मुझे इधर खड़ा करके कहती है मेरी आंखों के सामने। अरे अरे बस अरे बस, मैं सारा सब कुछ इकट्ठा करके आलू भी कटाई हो चुके हैं और पेस्ट भी तैयार हो चुका है। कभी सुरेखी कभी उर्दू, बस ये दोनों जो है ना मेरी मैं ना क्या करे, कभी 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 मैं सुरेखी भी बोल जाती हूँ क्योंकि हम सुरेखी हैं। वैसे उर्दू तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सीख लिया है आपके भाई से, तो है सुरेखी बिल्कुल भी, एक दिन भी जो स्कूल नहीं गया उसके लिए तो उर्दू बोलना मुश्किल थी ना। बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह आप जो ना मुझे उर्दू अच्छे तरीके से आ जाती है। हिम्मत है जी इसकी माशाल्लाह, बहुत बड़ी हिम्मत है कि ये उर्दू सीख गई है फिर भी इतनी प्यारी उर्दू बोलती है, हालांकि एक दिन भी स्कूल नहीं गई थी। हाँ, एक दिन गई थी, एक दिन गई थी वो भी मैंने आप सब बहन भाइयों को बताया था जो मेरे साथ वहाँ पे हुआ। हाँ। बस उसी दिन से जो है ना मैं फिर स्कूल नहीं गई, बिल्कुल भी नहीं गई। मुझे बहुत ज्यादा शौक भी था, मेरा दिल करता था कि मैं स्कूल जाऊँ पढ़ूँ कुछ बनकर दिखाऊँ, मेरा सपना था वो ना जो बड़ी कुर्सी जैसे बैठे रहते हैं मैडमा जिसे कहते हैं, वो बैठकर वो कलम चला रही होती हैं, तो मैं सपने देखती थी कभी जो ना मैं ऐसे बनकर जो ना वो लिखाई करूंगी। और नहीं है अदरक, नहीं है
ये लें जी। और ये मेरा सपना था लेकिन नहीं, आपका सपना इंशाल्लाह ताला अजीज पूरा होगा इंशाल्लाह। हाँ, आप ये टेंशन ना लो, आपका सपना पूरा होगा इंशाल्लाह ताला अजीज, ये मेरी दुआ है। आप जो है ना, पता है क्या जी, आप सदर बनने वाली हैं। हाँ जी, माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह। मेरी तो तालीम नहीं, मैं तो एक अनपढ़, मैं कैसे सदर बनूंगी। नहीं, इंशाल्लाह ताला आप सदर बनने वाली हैं। है सच्ची? हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ, ये सदर बनने वाली है इंशाल्लाह ताला। आपको लंबी जिंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ दे, आमीन। सबके साथ ऐसे जो है ना खुश रहा करे, अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। हाँ, क्रिकेट खेली जा रही है, कभी बॉलिंग कराई जा रही होती है, कभी छक्का लगाया जा रहा होता है, ऐसे करी इसी तरह। हाँ, ये इसकी बॉलिंग होती रहती है। कल ये सो रहा था, इसे नींद आई थी बहर चार पाई पे, तो मैंने देखा तो फिर ये इस तरफ किया, मैंने कहा कि वैसे कर रहा है, फिर जब मैंने देखा तो दूसरी बाहू में इस तरफ किया, तो फिर मुझे पता चला कि ये क्रिकेट खेल रहा है। ये नींद में भी क्रिकेट खेलता रहता है, ये नींद में भी क्रिकेट खेलता रहता है। मैं वो लकड़ियां ले आऊं अभी बुला। लकड़ी यार वो अब अदरक देख लो जो इधर पड़ी है, अदरक। अदरक नहीं है वो ना, असल में अदरक पड़ी थी, मैं आपको बताऊं, वो मैंने बनाया था कावा। अच्छा, वो बिल्कुल खुश्क थी। नहीं अभी बुला, फ्रिज के अंदर जो छापर पड़ा जिसके अंदर सब धनिये पड़े हैं उसके अंदर देखो अदरक होगी। हाँ, मुझे याद आ गई। ठीक यार, मैं कितनी सारी अदरक ले आया था मंडी से, काफी सारी। तो आप कह रही हो नहीं है ठीक। हाँ, क्योंकि जब मैं सालन बनाती हूँ ना, सालन में डालती हूँ, और कावा बनाते हैं कावे में भी डालते हैं, वो जो है ना थोड़ी बहुत बची हुई है, बाकी खत्म हो गई है, मुझे अब याद है। वो हमारे सिस्टर है ना, उसने कमेंट किया कि आप अदरक यूज जरूर किया करें सालन में। अल्हम्दुलिल्लाह हम हर चीज़ में यूज़ करते हैं अदरक का, अदरक बहुत बड़ी चीज़ है, अदरक के जो फ़ायदे हैं ना वो हमारी सोच भी नहीं, इतनी ज़्यादा बड़े फ़ायदे हैं। तो आप जो है ना लकड़ियाँ ये उठा रही है तंदूर जलाने के लिए, इधर लत रखो। हाँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। उस तरफ इधर। हाँ, हाँ इधर इधर। हाँ हाँ यार ऊपर झल्लो ना, झल्लो झल्लो झल्लो। हाँ ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ हाँ, शुक्र है टूट गए, अदरक पड़ी थी ना। हाँ, चलें शुक्र है जी अदरक मिल गई। आप जो ना आ जाए, आग जलाए, मैं सामान सारा इकट्ठा कर लूं, ठीक है। हाँ, अभी कचरा वगैरह भी ले आया है, ये देखें जी, ये कचरा पड़ा है, और ये चेयर की जो है ना टांगे वगैरह हैं, और ये प्लास्टिक के ये टुकड़े भी हैं, इससे जो है ना आग जल्दी जल जाएगी, आग बेचारी टांगे भी जल जाएगी, है ना। हाँ जी, अभी बोला मम्मा कुर्सी की टांगे पड़ी है, आप ये कचरा डालो, मैं सारा सामान जल्दी जल्दी जो है इकट्ठा करके आऊं। ओके हो गया जी, जल्दी करें फिर जल्दी। कौन कौन सा सामान उठाना है, मैं भी आपके साथ उठवा लेता हूँ। है सूरज इधर है ना, मुझे फिर इस तरह सामान असल में वो उधर पड़ा है, क्योंकि बिरयानी बना रही है ना हमारी बेटी, किचन में है। अच्छा, किचन में तो आप कैमरा लेके नहीं आ सकेंगे, आप इधर रुको, जल्दी करें, मैं इधर ही रुकता हूँ। हाँ, आप जल्दी ले आए, और असर की अजानें भी हो चुकी हैं, तो मैं फिर नमाज अदा करता हूँ असर की, उसके बाद जो है ना फिर हम लोग बनाएंगे। हाँ भी बोला, क्या कह रहे मसीद बनना। अच्छा चलो बेटा आप जाओ मस्जिद, क्योंकि असर की नमाज के बाद जो है ना फिर मस्जिद में ये पढ़ते हैं कुरान पाक। हाँ, ओ कुबैब कहाँ है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हैं कहाँ पे गया है यार, ये खराब होता जा रहा है, क्या करे बंदा इसके साथ। कुबैब कहाँ पे है, सुबह जो है ना उसने तैयारी की, उसने पूछा मुझसे कि मम्मा मैंने जाना शादी पे, मुझे खर्चा दो। किसी संगती की शादी थी तो सब जा रहे थे बच्चे, तो मुझसे पूछता रहा, मैंने बिल्कुल हाँ भी नहीं की, और मेरे पास खर्चा भी नहीं था, मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया। जब वो बच्चे इधर आए तो फिर बच्चों ने कहा, वो भांजा हमारा हो गया, उसने पूछा कि खाला हम जा रहे हैं, कुबैब को जरा हमारे साथ भेजें। अच्छा, तो मैंने कहा इसका बाबा घर पे नहीं है और इसके पास खर्चा भी नहीं है, ये कैसे जाएगा शादी पे। उसने कहा कि खर्चा हम करेंगे, इसे जाने दें। फिर मैं खामोश होगी, फिर वो उन्हें बच्चों के साथ चला गया शादी पे। किसकी शादी, कहाँ पे, कोई संगती थी था उसके, उसी की शादी पे गए वो, पता नहीं कौन था, ये मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती यार, ना जाने देती आप। मैंने उसे पहले मना किया, फिर वो भी नहीं जाने वाला था, तैयार भी हुआ था, न्यू कपड़े भी पहने थे, मैंने कहा आज जो ना ये कपड़े आपने नहीं पहने थे, क्योंकि आप जो ना जमात के साथ जा रहे हैं ना खुबैब,
अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जब जाएगा तो इंशाल्लाह कुछ जो है ना अपनी आदत चेंज कर लेगा। अल्लाह खैर करे। चलो बेटा आप जाओ फिर मस्जिद, ठीक है मैं भी आ रहा हूँ। अच्छा, हाँ। हबीबुल्लाह इधर आओ, इधर हबीबुल्लाह मामा इधर आओ। एक तो नमक नहीं है, नमक और लाल मिर्च नहीं है, ठीक है ये पड़ा है, ये पड़ा है, ये थोड़ा सा है नमक और लाल मिर्च, ये जल्दी जल्दी ले, जल्दी जल्दी ले कर आओ बेटा, और जब आप आओगे तो फिर जो है ना मैं अपना काम और कार्रवाई शुरू करूंगी। ओके, वैसे कुन्नी तो लेनी है। हाँ वो ले आओ। चले मैं भी फिर चलता हूँ नमाज अदा कर लूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है, आप काम वगैरह कर लो उसके बाद फिर मिलते हैं। ठीक होगी, हाँ जी नमाज अदा करने उसके बाद फिर मिलता है इंशाल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह ताला का, असर की नमाज अदा करके मैं आ चुका हूँ, और इधर आग भी जल गई है, हांडी भी चढ़ गई है, मसाले वगैरह भी डाल चुके हैं। वाह जी वाह, आपका इंतजार करती रहेगी, मैंने कहा कि आ जाएगा तो फिर जो है ना वो आग भी जलाऊंगी, वो हांडी वगैरह भी चढ़ाऊंगी, वैसे अच्छा। आग तो जल गई थी तो मैं आपका इंतजार भी करती रही, और जो लकड़ी मोटी अंदर डाली है ना उस लकड़ी को आग नहीं जल्दी 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 सॉरी पता नहीं आज जल्दी नहीं लगी। हाँ जल्दी अभी जो है ना वो अभी भी क्या नहीं लगी, ये पतली लकड़ी मैंने डाली है फिर जो अच्छा लग जाएगी, अभी लग जाएगी। हाँ, जब ये मोटी पतली उनको लग रही है ना। हाँ। उनको भी लग जाएगी, नो टेंशन, घबराओ नहीं, टेंशन ना लो। आज हांडी के अंदर सालन बनाया जा रहा है जी। हाँ जी, मिट्टी वाली हांडी, मिट्टी वाली हांडी, क्योंकि जो देखती हमारी है उसके अंदर चावल बनाया जा रहा है, चावल बनाया जा रहा है, इसीलिए जो है ना इधर मैंने हांडी के अंदर, वैसे हांडी जो है ना ये जल्दी काली हो जाती है, तंदूर जो है यार इतनी आग जो जलती है। हाँ जी गोदा टिक टाक कर, किवे हाल है तेरा, शेर तो सुना जड़ा मुले, शेर सुनांदा पिया में टिक टाक एडी ते, हैं हाँ तो शेर सुनवे से ता उना चंगा लग सी ता लाइक करे सन, किसी को अच्छा लगेगा तो फिर लाइक करेंगे। सुनाओ चलो अब शर्म है, सुना दो कुछ नहीं होता, सुना दो हम बेशरम है यानी क्या? ना असल में अकेले बैठकर शेर सुनाता है ना, तो इधर हम दोनों हैं इसी वजह से शर्मा रहा है। चलें कोई बात नहीं, अकेले में फिर कह देना। वैसे इस तरह के बाल कैसे लग रहे हैं मुझे? माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, अल्लाह नजरे बाज से बचाए, बहुत प्यारे लग रहे हैं। वैसे जो है ना जिंदगी में पहली बार आपके भाई ने ये जुल्फे रखी है, वो भी मेरी फरमाइश पे। नहीं आपकी फरमाइश पे नहीं। हाँ। ये सुन्नत समझकर मैंने सुन्नत समझ कर भी रखा है, क्योंकि गंजा होना भी सुन्नत है और जुल्फे रखवाना भी सुन्नत है। हाँ। और जिंदगी में पहली बार मेरे बाल जो है ना बढ़ रहे हैं, और सुन्नत समझकर मैंने बाल रखवाए हैं, और इंशाल्लाह ताला ये आ रहे हैं बाल, और ये भी सुन्नत है आपकी फरमाइश पर। नहीं ऐसे आपने कहा तो था, लेकिन ये मैं सुनना समझ के बाल बढ़ा रहा हूँ। जी जी वो तो सुनना समझ। हाँ, हमारी एक सिस्टर है वो कह रही थी कि अल्ताफ भाई को शायद इश्क चढ़ा हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है, इश्क है मुझे इसके साथ, अपनी बीवी के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह ताला का, बहुत खुशकिस्मत है हम। बेशक है ना, बेशक बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है, और अल्लाह ताला जोड़ी सलामत रखे, अल्लाह हुम्मा आमीन, सुम्मा आमीन, कैमो दायम रखे, अल्लाह नजर ना लगे, अल्लाह ताला सबको खुश रखे जैसे हम खुश हैं। अल्लाह जब शेर सुनाओगे तो फिर बताएंगे। शेर आपने बताएंगे। सुनाया नहीं है तो लाइक कैसे करेंगे, जब आपका शेर सुनेंगे ना। हाँ, किसी को पसंद आएगा तो फिर आपकी एडी पे आएंगे। हाँ, कह रहे मेरी एडी का नाम बता दो, शेर सुनाते नहीं हो ऐसे बता दे, शेर सुना दो, हमारे जो बहन भाई देखने वाले हैं वो आपकी आईडी पे आएंगे जरूर। पहले शेर सुना दो। हाँ। अच्छा फिर शर्म खत्म कर रहा हूँ, उधर सफील पे रख के फिर आ जाओ, फिर जो है ना सुनाना, ठीक है? शर्म को उधर रख के आओ। सफील तो नहीं है, किसी पेटी शेटी संदूक के अंदर रख के, पेटी शेटी संदूक के अंदर रख के फिर आना, फिर शेर सुनाना। वैसे शेर जो है ना बहुत अच्छा शेर है जो इसने कहा है। आदी का नाम क्या है? अच्छा अच्छा, फिर जब आप सुनाओगे फिर जो है ना बताएंगे। बस सुनाने वाला था। हाँ, वैसे बहुत जबरदस्त शेर था, क्या ही बात है, थोड़ा कॉन्फिडेंस पैदा करें। वैसे कॉन्फिडेंस है इनके अंदर। हाँ। ये टिकटॉक वीडियो बनाता था लेकिन फिर इसने बिल्कुल छोड़ दी, माशाल्लाह कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, टैलेंट भी है,
लेकिन ये जो है ना फजूल में जय कर रहा है ना? हाँ, इसका इस्तेमाल करो, समझ आई? हाँ चलें जी, अभी फिलहाल वो सोड लग रही है, तिड़का लग रहा है मिसालू वगैरह को, और उसके बाद फिर हम आलू डालेंगे। इधर बैठो, आप सुनो, आप शर्म खत्म हो गई, अपनी आईडी का नाम भी बता दो और शेर भी सुना दो। अच्छा शर्म पहले रख के फिर सुनाना। चलो जी फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हाँ जी, मेरा बाजू थक गया है। सालन हमारा हो चुका है रेडी और पेड़े भी मैंने बना लिए हैं। अब बनाते हैं रोटी, क्योंकि माशाल्लाह ये देखें बहुत प्यारी लुक भी आ रही है और बहुत प्यारी खुशबू भी आ रही है। हबीबुल्लाह की बिरयानी भी तैयार है। हबीबुल्लाह आपकी बिरयानी भी तैयार है। चलें हांडी उतारते हैं, बनाते हैं रोटी, क्योंकि सेटअप जो है ना सारा मैंने नीचे उधर रख दिया है, अभी नहीं दिखाते, थोड़ी देर के बाद दिखाएंगे। सेटिंग इधर हो चुकी है। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हो रहा है? माशाल्लाह आप आ गए तो थोड़ा सा इधर आना। इधर आना, मैं असल में इधर बैठी हूँ, अगर मैं इधर जाती हूँ तो कभी आकर आप इधर से आए। इधर से ये कुन्नी उतार के वो टायर पे रख दे, नाराज नहीं होना। तो ले जाना यार, मुझे लाहौर तक को मैं लेके चला जाऊंगा। नहीं इतनी लंबी सजा तो नहीं देनी आपको। सालन जी फैमिली हमारा तैयार हो चुका है। क्या हुआ? ये कंदूरी गर्म हो गई। कंदूरी ये कंदूरी इधर ले आओ या इधर रख दो? नहीं नहीं इधर ले आओ, क्योंकि रोटी बनानी है ना मैंने। अच्छा हाँ, कंदूरी इधर ही ले आओ, मुझे दिखाएं। चलो जी फैमिली, तंदूर हमारा गर्म हो चुका है, सालन बन चुका है, पेड़े बना चुके हैं, बन गए हैं, और अब रोटियां लग ही जा रही हैं। हाँ, रोटी लगा के फिर खाएंगे शाम का खाना और बनाएंगे हम सोबत, क्योंकि आज आलू की भाजी है। आलू की भाजी में हम चूरी कुटते हैं, सोबत बनाते हैं, फिर खाते हैं। वैसे शौक से खाते हैं, सच्ची बात है, जब आलू के सालन बनाना हो ना तो दिल करता है दोपहर को कुछ भी ना खाए। वैसे भी कुछ नहीं खाते और दोपहर से जो इंतजार होता है कि कब शाम होगी और आलू का सालन बनेगा, हम खाएंगे। चलें जी पहली रोटी लग चुकी है, जल्दी जल्दी रोटी लगा लें, उसके बाद फिर मिलते हैं। ओके जी, ओके। फैमिली जी रोटियां लग चुकी हैं और जल्दी जल्दी जो है ना हम तरोड़ मरोड़ रहे हैं रोटियों को। हाँ जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, गरम है, ऐसा लग रहा है जैसे आग पे बनाई हो, है ना? हाँ यार, पानी पे बनाती। बस थोड़ी सी देर है और ये चावल भी तैयार है, ये भी बच्चों को देते हैं। पहले जो है ना आपके भाई को भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, इसी वजह से मैंने सोचा पहले पहले सो बात बना लेते हैं। और इंशा जो है ना खेलने के लिए गई है, पता नहीं अभी तक वो नहीं आई, उसका भी इंतज़ार हो रहा है, वो भी आ जाएगी। गरम बहुत गरम है चावल, तो बड़े ही पे मतलब चावल इतनी गर्म है। हाँ तो गर्म तो है, अभी बनाई है ना मैंने, गरम तो होगी। मेरे हाथ नरम है, बहुत ज्यादा जो है ना वो मुझे गरम लग रही है। उसके हाथ नरम है, मेरे हाथ जो है ना सख्त है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि इनका काम है ना रोटियां लगाती रहती है तंदूर पे, तो इसको जो है ना वो कुछ नहीं होता, बर्दाश्त कर लेती है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सही कहा, बिल्कुल जो है ना कूले कूले हाथ है यहाँ। माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक लगे। चले मामू जान के लिए जो है ना वो कटोरी में डालती हूँ सालन, क्योंकि वो चूरी नहीं खाते। सामान सारा मैंने इधर इकट्ठा करके रख दिया था और ऊपर कंदूरी भी मैंने रख दी थी, क्योंकि मक्खियाँ जो है ना हमें बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, परेशान करती हैं। हाँ जी, मक्खियों का मौसम है ना। बस ये रोटी नहीं यो करनी बस। हाँ, क्योंकि ये रोज़ीना देना है ना, रोज़ीना लेने आएगी ना, उसी का है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रोटियाँ यार, हबीबुल्लाह कहाँ पे हो यार? रोटियां हमने त्रोड़ मरोड़ लिए, अब बना रहे हैं जी सोबत, बच्चे खाएंगे सब शौक से। हाँ जी माशाल्लाह, बच्चे इंतजार बैठे हैं, बस ये मैं जल्दी करें डाल रहे फिर। पहले सबर करें, मामू को खाना दे दें बाद में। ओके ओके जी, ओके। क्योंकि हम जो है ना बाहर बैठ कर खाते रहेंगे और मामू जान अंदर बेचारा इंतजार बैठा रहेगा,
पहले उसको देते हैं। मगरिब का टाइम होने वाला है, बस 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 हम जो है ना अब इसको हांडी के अंदर डाल देंगे जी। ठीक हो गया जी, सुबह के लिए फिर जो है ना दोई के साथ हम इस तरह घुमाते फिराते रहेंगे, फिर बन जाएगी हमारी सोबत, फिर वहाँ से निकाल के हम इसके अंदर डाल देंगे, फिर इसके अंदर डाल के फिर हम इस तरह खाएंगे। ठीक हो गया जी, बता दिया आप सबको, बस वीडियो का एंड कर रहे हैं। सबर करें, मैं ये ना ये सारा सामान इधर लेके आ रही हूँ। ठीक है जी, आप इसको अंदर डालें क्योंकि आप भी जल्दी में बैठे हो। ठीक है, और बच्चों के लिए मैं चावल डाल दूँ, आप जल्दी जल्दी इधर डाल दें। ओके ओके, रोटी भी हमारी त्रोड़ मरोड़ के फैमिली तैयार हो चुकी है, अब इसको हांडी के अंदर डालते हैं। और वो है जी चावल, चावल भी तैयार है, बच्चों आप खाओ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अब जो है ना हम बनाते हैं सोबत जी, बच्चे खाएंगे चावल, हम खाएंगे सोबत जी। आप भी खाओगे सोबत? खानी है, हंसती है। बच्चों ने कहा कि हमने चावल खाने हैं, चले हमने कहा ठीक है। आप हाँ, चावल जैसे बच्चों की मर्जी, बच्चे मन के सच्चे। हाँ जी, खाओ चावल, खाओ 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 बेटा, खाओ खाओ ने सौकी में बड़े पान। शाबाश, टूट पड़ो बच्चे, खाओ। हंसती है, चावल खाओ। मैं ये छोटे छोटे कचरे चुन के डाल रहा हूँ क्योंकि रिस्क की हिफाजत करनी चाहिए जी, बेशक। हाँ तो मेरे ख्याल में बस एंड करते हैं, मगरब का टाइम भी होने वाला है और कैमरामैन बेचारा परेशान है, चावल बच्चों के आगे पड़े हैं और मैं कैमरामैन बना हुआ हूँ, ये चावल सारे खा जाएंगे। नहीं बेटा, आपके लिए रखे हुए क्योंकि अभी बुल्ला की फेवरेट है ना। चले जी, हमारी आज की वीडियो जन बहन भाइयों को अच्छी लगी है, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ये हमारी सोबत फैमिली तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं, ये हमारे लिए बकरे की ऐसे समझे सोबत है, मटन। हाँ तो इस वीडियो का हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए और हमें रखिए दो में याद। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान। खाओ बालो, क्यों बैठे खाओ खाओ, शाबाश, बिस्मिल्लाह करो।